किसान भाइयों, आपके भी गेहूं के कल्ले अगर इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए। ये गेहूं दिख रहा होगा, सभी में मात्र एक एक कल्ले ही है, लेकिन कल्लों के विकास यदि आपका नहीं हो रहा है तो किस तरीके से किया जाए गेहूं में कल्लों की विकास। गेहूं में कल्लों की विकास करने का तरीका जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें किसान भाइयों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई के बाद या जो किसान भाई पहली सिंचाई कर चुके हैं उनको दूसरी सिंचाई के बाद कौन सी ऐसी खाद डालना चाहिए और गेहूं में पौधे से अधिक कल्ले लेने के लिए यूरिया के साथ या DAP के साथ कौन सा ऐसी खास चीज़ नया चीज़ को मिलाया जाए जिससे गेहूँ में ज़बरदस्त तरीके से कल्लों की ग्रोथ हो और गेहूँ की अच्छी ग्रोथ हो, गेहूँ की जल्द विकास हो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं में कल्ले बढ़ाने का उपाय किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कैसे गेहूं में कल्ले बढ़ाया जाता है। किसान भाइयों, हम आपको गेहूं में कल्ले बढ़ाने का तरीका तो बताएंगे ही, साथ में जो किसान भाई इस वीडियो के देख रहे हैं उनके लिए अगर मैं कोई तरीका बताता हूँ तो जो प्रोडक्ट मैं बताता हूँ काफ़ी किसान भाइयों को नज़दीकी दुकान पर नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी किसान भाइयों का तरीका बताऊँगा कि आप जो खाद लेना चाहते हो कहाँ से ले सकते हैं। और जो लोग हमारे तरफ वीडियो बनाते हैं, किसान भाइयों के लिए हेल्प करते हैं, किसान भाइयों के लिए खेती की नई नई तरीका बताते हैं, किसान भाइयों के जो किसान भाई मेरी तरह वीडियो बनाकर हेल्प करते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने गेहूं की वैरायटी का वीडियो बनाया था और खाद का वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में हमने गेहूं की वैरायटी जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी होती है उसके बारे में चर्चा किया था, जहां से हमारे जो किसान भाई थे उनको नज़दीकी दुकान पर जो बीज नहीं मिल पा रहा था वो हमारे वीडियो के जरिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस बीज का लिंक डाला था। इंडिया मार्ट पर वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, इससे रिलेटेड सभी सामग्री और भी कैटेगरी रिलेटेड सामग्री वहाँ पर उपलब्ध होता है इंडिया मार्ट पर, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया था जहाँ से किसान भाइयों को काफ़ी हेल्प हुआ, क्योंकि किसान भाई परेशान हो जाते थे गेहूँ की वैरायटी को खोजने में या जो खाद एवं दवाई उनको नहीं मिल पाता था तो परेशानी में आ जाते थे कि हम कहाँ से खरीदें, तो हमने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, वहाँ से किसान भाई ने जो प्रोडक्ट का लिंक दिया था वो प्रोडक्ट को खरीदे थे और किसान भाइयों को इससे हेल्प मिला। लेकिन इससे किसान भाइयों को ही हेल्प नहीं मिला, आपको बता दें जो एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर है जो हमारी तरफ वीडियो बनाते हैं किसान भाइयों, आपको बता दें कि उस वीडियो से मुझे भी हेल्प मिला था, क्योंकि जो हमने लिंक डाला था उस वीडियो के जरिए मुझे 5000 रुपये की इनकम हुआ था। जानना चाहते हैं कि कैसे 5000 का हमने इनकम किया था, तो आपने ये तो सुना होगा कि मेकअप और फैशन रिलेटेड लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब से पैसे कमाता है, लेकिन किसान भाइयों हम फार्मिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाकर भी हमने पैसा कमाया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे अर्निंग करता हूँ। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको इंडिया मार्ट अफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ना होगा। हम इंडिया मार्ट अफिलिएट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, इससे हमें कैसे कमाई होता है तो आपको बता दें कि जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, जो किसान भाई अपने रिलेटेड प्रोडक्ट खोजते हैं अगर उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो मुझे पर यूनिक क्लिक पर 2.5 रुपये मिलते हैं, मुझे मतलब जितना किसान भाई अगर क्लिक करेंगे उसके क्लिक पर 2.5 रुपये मुझे मिलेगा यूनिक क्लिक पर। आप किसान भाइयों, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप साइन अप करके आप इंडिया मार्ट अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी मेरी तरह हर वीडियो से 5000 रुपये कमा सकते हैं, उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया मार्ट अफिलिएट प्रोग्राम को। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपको यूट्यूब चैनल पर 500 से अधिक सब्सक्राइबर है तो आप भी ये अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके इंस्टाग्राम पर 2000 से अधिक फॉलोवर है तो भी आप इस तरीका को और इस अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके हर वीडियो से अच्छी कमाई कर सकते हैं। और यही नहीं, मैंने पिछले काफ़ी जो मेरा ट्रेंडिंग वीडियो भी चल रही है उस वीडियो में भी मैंने इंडिया मार्ट का अफिलिएट प्रोग्राम का जो प्रोडक्ट है उसका लिंक डाला हूँ और उस वीडियो से भी मुझे कमाई हो रही है, तो है ना आपके लिए मज़ेदार बात। तो आज ही ज्वाइन करें इंडिया मार्ट अफिलिएट प्रोग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करना है, साइन अप करना है और ज्वाइन करना है और हमारे सभी क्रिएटर भाई पैसे कमा सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर, गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। तो चलिए अब हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं, गेहूं में कल्ले बढ़ाने का पूरी तरीका पूरा फार्मूला आपके साथ शेयर करेंगे किसान भाई। किसान भाइयों, सबसे पहले कल्ले बढ़ाने में सावधानी आपको क्या रखनी पड़ेगी, गेहूं की सिंचाई के वक्त। अब किसान भाई करते क्या है कि गेहूं की सिंचाई अधिक मात्रा में कर देते हैं जिसके कारण से गेहूं के पौधा जो है पीलापन होने लगता है। गेहूं के पूरे पौधा जब पीला हो जाता है तो उसका जड़ भी पीला होकर वो कल्लों की विकास नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे किसान भाई गलती कर देते हैं। तो किसान भाइयों, सिंचाई करते वक्त आपको हल्की सिंचाई करना है, ना कि ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करना है। अब बताते हैं, आप सिंचाई हल्की मात्रा में कर रहे हैं फिर भी आप कल्ले की विकास करना है तो कैसे करें, अगले नंबर पर क्या पॉइंट और क्या सावधानियों का ध्यान में रखें। तो अगर बता दें किसान भाइयों, आपने अगर बुआई के समय
फास्फोरस और पोटास की मात्रा दिया है तो आपको सिंचाई के बाद सिर्फ नाइट्रोजन की ही मात्रा छिड़काव करनी है, ना कि आपने बुआई के समय फास्फोरस भी दे चुका है, पोटास भी दे चुका है और फिर भी ये दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर बुआई के वक्त ये दो चीज़ मिली है तो अब आपको हल्की सिंचाई करनी है और उसमें आपको 45 केजी यूरिया की मात्रा छिड़काव करनी है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जो किसान भाई बुआई के वक्त कोई कारणवश पोटास फास्फोरस नाइट्रोजन नहीं दे पाए, उन किसान भाइयों के लिए क्या डोज रहेगा? तो किसान भाइयों बता दें कि आपने अगर बुआई के समय ये खाद नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, हम जो डोज बताने जा रहे हैं उसको सिंचाई से पहले छिड़कना है, क्योंकि ये जो खाद होती है अगर बुआई के वक्त आपने मिस्टेक कर गया है, आपने नहीं डाला है कोई कारणवश, तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी अगर अभी डालेंगे तो। तो सिंचाई के बाद अगर ये खाद का छिड़काव करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सिंचाई से पहले आपको खाद का छिड़काव करना है। इससे होगा क्या, सिंचाई से पहले जब आप खाद छिड़केंगे तो जब आप पानी चलाएंगे खेतों में हल्की पानी, तो क्या होगा, पानी के जरिए वो खाद भी जो जड़ तक पहुंचेगी और पौधे ये सारा प्रक्रिया करके पूरा अवशोषित करेंगे। किसान भाई अगर आप बुआई के वक्त डीएपी और पोटास की मात्रा नहीं दिया था तो आपको क्या करना है, एक बैग डीएपी और आधा बैग म्यूनिट ऑफ पोटास और आधा बैग यूरिया, इन तीनों खाद को आपस में मिला लेना है और सिंचाई से पहले छिड़क कर उसके बाद सिंचाई कर देना है। उसके बाद आपको खेतों में कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू होगी और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।